नीतीश की नाराजगी के बाद नए संसद के उद्घाटन में तमाम विपक्ष के नेता बहिष्कार करते हुए दिखे थे, लेकिन जेडीयू के एक नेता थे जो उस कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे। ये शख्स थे राज्यसभा के उपसभापति। उपसभापति हरिवंश सिंह के उस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद बवाल मच गया। जेडीयू का दबाव था कि हरिवंश भी उस कार्यक्रम का बहिष्कार कर रहे, लेकिन हरिवंश उस कार्यक्रम में शामिल ही नहीं हुए, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्थान में जमकर कसीदे भी पढ़े। उसके बाद बिहार में जेडीयू के नेताओं ने हरिवंश पर हमला बोलना शुरू कर दिया। बात मुख्यमंत्री तक पहुंची। ललन सिंह ने तो कड़ा एतराज जता दिया था। जेडीयू के अंदर नाराजगी की खबरों के बीच हरिवंश से नीतीश कुमार की कोई बातचीत नहीं हो पा रही थी। इसी बीच हरिवंश दिल्ली से चलकर अचानक पटना पहुंचे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बंद कमरों में तकरीबन 1.5 घंटे तक मुलाकात चली। हरिवंश की मुलाकात की खबरें एक दिन बाद सामने आई, तब तक हरिवंश पटना से जा चुके थे। जेडीयू की तरफ से इस मुलाकात पर भी सवाल पूछा गया तो उनका जवाब था कि हरिवंश जेडीयू के नेता थे, नीतीश कुमार के पुराने जान पहचान में से, नीतीश कुमार के पुराने भरोसेमंद में से थे, लिहाजा मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे थे। लेकिन वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में नीतीश हरिवंश से क्यों मिले थे, यह बड़ा सवाल था। हरिवंश मिलकर वापस लौटे तो यह कहा जा रहा था कि मानसून सत्र के पहले दिल्ली के अंदर भाजपा कुछ खेल कर सकती है, लेकिन अब जो खबरें निकलकर सामने आ रही है वो खबरें ये है कि हरिवंश की कुर्सी जा सकती है, हरिवंश राज्यसभा के उपसभापति से हटाए जा सकते हैं। भाजपा ने हरिवंश को हटाकर यह मैसेज साफ देने का फैसला कर लिया है कि अब एनडीए गठबंधन में नीतीश के लिए जो दरवाजे खुले थे वो दरवाजे बंद हो रहे हैं। अगर हरिवंश राज्यसभा के उपसभापति से हटा दिए जाएंगे तो जो आखिरी उम्मीदें दिख रही थी भाजपा के साथ रहने की, वो भी टूट जाएगी। हालांकि बिहार में जेडीयू के तमाम नेता यह बातें कह रहे हैं कि अब वो किसी भी सूरत में भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। ऐसे में बीजेपी एनडीए की बैठक के बाद यह फैसला ली कि अब उन नेताओं की जरूरत नहीं है जो विरोध में खड़े हैं। हरिवंश इकलौते ऐसे सांसद थे जनता दल यूनाइटेड के जो नीतीश कुमार की नाराजगी के बावजूद भी भाजपा के साथ खड़े हुए थे। लेकिन नीतीश की नाराजगी, नीतीश से बंद कमरों में मुलाकात की खबर बाहर आने के बाद हरिवंश की कुर्सी जाते हुए दिख रही है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या हरिवंश नीतीश को मनाने पहुंचे थे या भाजपा ने अपने अंदर के जासूस को अब हटाने का फैसला लिया। कई तरीके के सवाल है। हालांकि हरिवंश राज्यसभा के उपसभापति थे तो भाजपा के करीब थे, ये आरोप उनके ऊपर लगते रहा है। लेकिन हरिवंश का कार्यकाल 2026 तक है। जेडीयू ने खुद उन्हें राज्यसभा के अंदर उपसभापति के लिए प्रस्ताव भेजा था, केंद्र सरकार से मंजूरी मिली, भाजपा ने उनका नाम आगे किया था। जो अब जानकारी निकल के सामने आ रही है उस जानकारी के अनुसार ये है कि राज्यसभा के उपसभापति के लिए राजस्थान से भाजपा के एक कद्दावर नेता का नाम सामने आया है, जिन्होंने अपना नामांकन भी कर लिया है। आज किसी भी वक्त उनके नाम का ऐलान हो सकता है। और अब बड़ा सवाल कि जनता दल यूनाइटेड के अंदर रह के हरिवंश जिस तरीके से नीतीश के विचारधारा से अलग हटे, क्या उसका खमियाजा उनको मिला या भाजपा ने हरिवंश का उचित इस्तेमाल कर अब छोड़ दिया। कई तरह के सवाल बिहार की सियासत में घूम रहे हैं। फिलहाल बड़ी खबर यही है कि हरिवंश की कुर्सी जा सकती है।